नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कवर करेंगे बिग बेस्ट लीग का मैच नंबर 25 जो कि होने वाला है पर्थ वर्सेस एडिलेड। बहुत ही शानदार मैच है और दोस्तों वेन्यू रहेगा पर्थ का, होम ग्राउंड है ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम और ये भाई पर्थ की पिच आपको पता है किसी सबको पता है कि पर्थ की पिच पे पेस एंड बाउंस है ना, तो जिस पेसर के पास में गति है बाउंस है तो उस पेसर को आज के मैच में ड्रॉप नहीं करना है। और ऐसे तीन ऐसे पेसर है जिनका परसेंटेज सिलेक्शन भी कम है भाई, परसेंटेज सिलेक्शन कम है कप्तान तो दूर की बात है ना, तो वो चीज़ अपन बात करेंगे इन डेप्थ, बहुत मजा आएगा। ये मतलब कि आज का मैच ना बॉलिंग साइड जा सकता है। रिसेंटली आप देख रहे होगी मतलब कि लास्ट 2-3 मैच बिग बेस लीग के बैटिंग कंसिडर हो रहे हैं, मतलब बैट्समैन गेम को इंजॉय कर रहे थे कि वो वेन्यू ऐसे थे, लेकिन अब जो मैच हो रहे हैं ना ये आपको जो आज का मैच है ना, तो यहाँ पे दोस्तों बॉलर्स इन्जॉय करेंगे गेम को, तो सारी बात करेंगे कौन सा बॉलर अच्छे करेंगे एडिलेड की तरफ से, कौन से पर्थ की तरफ से गेम चेंजर बन सकते हैं ना, सारी बात करेंगे दोस्तों ठीक है। और वीकनेस जो कि 100% नहीं कैसे 90% अपने एक्यूरेट जाती है। वीकनेस का मतलब यह दोस्तों पर्टिकुलर किसी टीम की फेवर में दिया टीम बनाते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से बॉलर को पिक करूं। भाई ओपोनेंट को ये बॉलर समस्या कर सकता है तो उसको 100% पिक करो ना, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर प्लेयर को रोटेशन पे डालो, वो चीज़ है दोस्तों है ना। और ये चीज़ें हमेशा नहीं होती कि भाई पर्थ हार जाएगी है ना, एडिलेड जीत जाएगी है ना, लास्ट मैच आपने देखा होगा यूएई नहीं जीती ना, वही चीज़ है दोस्तों है ना। जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो स्ट्रॉन्ग लगे, एक दो बार हार जाती है वो बात अलग है ना। वो लास्ट 26 दिसंबर को इस वेन्यू पे एडिलेड वर्सेस पर्थ का मैच हुआ था जहां पे आपके एडिलेड ने पहले बैटिंग करके 133 रन बनाए थे और इनके विकेट गिरे थे 7 विकेट ठीक है। और फिर आपकी पर्थ चेस करने आई थी तो पर्थ के 136 पे 7 विकेट, मतलब कि धन तो चेस कर लिए थे 19 के और 19 ओवर में इनका मैच क्लियर हो गया था, लेकिन वहां पे पर्थ के भी 7 विकेट गिरे थे। तो भाई ऐसा भी नहीं करना है कि आप पर्थ के टॉप 3 बल्लेबाज लेके जा रहे हो और एडिलेड के बॉलर्स को ड्रॉप कर रहे हो, जो कि 8% टाइम प्लेयर कर रहे हैं कि वो वेस एगार को ड्रॉप कर रहे हैं ना, और आपके जो डेविड पेने वो कमबैक करने वाले हैं ना, उनको जो लोग जनता पिक कर लेगी, लेकिन एगार को ड्रॉप कर रहे हैं, डोकेट को ड्रॉप कर रहे हैं ना, कैमरन बॉयस को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब टोटली जो बोलर्स है ना उनको ड्रॉप करिए एडलेट के, तो वो भी इनको ड्रॉप नहीं करना, उसका कारण आपको मैं बता दूंगा क्यों ड्रॉप नहीं करने दोस्तों ठीक है। आगे बढ़े उससे पहले चले अपन माई मास्टर लेवन पे। दोस्तों माई मास्टर लेवन पे यहाँ पे आओ कॉन्टेस्ट भाई, यहाँ पे तो उसकी 15,000 स्पॉट है, फर्स्ट रैंक पी प्राइस यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ है दोस्तों ना, तो बहुत अच्छी खासी प्राइस है। और यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 15,000 फाइट मिलेंगे आपको ना, कंपटीशन बहुत ही कम है, मतलब कंपटीशन किससे कहते हैं इस चीज का समझने का प्रयास करो है ना। यदि आप कैसे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ जहाँ पे स्पॉट कम होंगे ना वहाँ पे आपका विनिंग रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, और वहाँ पे रिस्क भी आप कम लोगे तो चलेगा। लेकिन अपन जैसे कभी 8% टाइम ग्रैंड लीग मेजर लीग अपन ड्रीम इलेवन पे फोकस करते हैं, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि आपको रिस्क ज़्यादा लेना होता है ना भाई, कि ओपोनेंट भी आपके पास में 32 लाख मतलब कि जनता बैठी है, 32 लाख में से आपकी फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, जो कि यूपीएससी भी नहीं बैठती दोस्तों, वही चीज़ है ना। तो मतलब सिचुएशन क्या है दोस्तों, यदि आप रिस्क लेने वाले हो तो आप ड्रीम इलेवन पे कंटिन्यू रह सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप चाहते हो भाई मैं थोड़ा सेफर प्लेयर हूँ, मतलब थोड़ा सेफ खेलता हूँ, थोड़ा रिस्की खेलता हूँ, तो भाई आपके लिए माई मास्टर इलेवन बनना है। यहाँ पे आप अच्छी खासी प्राइस है ना, एंट्री रूपी इक्वल है, कोई फर्क नहीं जितना है ना दोस्तों, तो कृपया करके माई मास्टर इलेवन यदि आप शिफ्ट होना चाहते हो तो आप हो सकते, कोई समस्या नहीं है ना। ग्रैंड लीग भी आपसे स्मॉल लीग का, यहाँ पे देखो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में मेजर लीग है ना, ओपोनेंट है ना आपको डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट माइंडसेट के मिलेंगे, और आप ना कम से कम 5 से 7 दिन स्मॉल लीग खेलो और जो रिजल्ट आए वो जरूर बताना, उसके बाद में आपको बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो दोस्तों ठीक है। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल, तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल, कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये तो चीज़ आपको पहले बताने लगी, यहाँ पे देखो ये हुआ था अफगानिस्तान वाला मैच है ना, जहाँ पे देखो ये अफगानिस्तान वाला जिसके अंदर एम जावेद, थोड़ी इसकी इमेज दूसरे प्लेयर की है ना, जहाँ पे देखो इनकी 125th रैंक आई थी, यह चीज़ आपको दिखाई देता हूँ। और ये देखो, और ये चीज़ थी कि आपको डायरेक्ट टीम कैसे सेंड करनी थी, वो चीज़ें पता थी। और आज के मैच में 2 बिग बेस्ट लीग के मैच है दोस्तों, तो पहला वाला सिक्सर और हिट का मैच है वो मैंने कवर करा क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है दोस्तों ठीक है। लेकिन जो सेकंड मैच है तो वो आपको वीडियो मिल रहा है, तो भरपूर मतलब समय निकालो, कम से कम 15 मिनट निकालो, और जो प्लेयर मैं बताऊंगा ना आपको रिस्की किसको ड्रॉप करना है, मेजर लीग क्या करते हैं अपन, जो हाई सिलेक्शन प्लेयर होते हैं ना उन पे फोकस करते हैं भाई, कौन सा प्लेयर फ्लॉप हो सकता है जो कि गेम चेंज करने वाले प्लेयर की जगह हटा सकता है दोस्तों है ना, तो वो चीज अपन बात करते हैं, चलते अपने नोट्स पे। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं, सबसे पहले होम ग्राउंड है पर्थ का, पर्थ को फेवर करना दोस्तों, गलती नहीं करनी है कि एडिलेड के साथ लेके जा रहे हो, 4 प्लेयर पर्थ के लेके जा रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। मेजरली देखो एक पर्टिकुलर टीम अपने वेन्यू पे कम से कम 6 या फिर 5 मैच खेलेगी है ना, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है 56 मैच होते थे आपके, 56+ मैच होते थे बिग बेस लीग के अंदर, 8% टाइम 44 कर दिए गए 45 है ना फाइनल को मिला के, तो हर एक टीम का एक अपने वेन्यू पे मैच को मतलब माइनस कर दिया गया है।
तो जो टीम अपने मेन्यू पे खेलो ना, मैं कहता हूँ 90% है ना उसके फेवर में टीम बनाओ, चाहे उसके प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, 90% है ना यहाँ पे सक्सेस रेट मिलेगी आपको एक पर्टिकुलर टीम की वेन्यू पे सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज पर्थ अपने वेन्यू पे खेल रही है, आने वाले मैच में एडिलेड अपने वेन्यू पे खेलेगी, तब आप एडिलेड के फेवर में करना, पर्थ के प्लेयर को कम्पीट करना, सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं सबसे पहले वीकनेस की, तो भाई एडिलेड स्टैग की वीकनेस क्या है। वीकनेस इट्स मीन्स कि ओपोनेंट के कौन से बॉलर अच्छा कर सकते हैं, मतलब पर्थ के कौन से बॉलर ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना कौन समस्या कर सकता है, तो भाई वो है राइट आर्म फास्ट बॉलर और दूसरा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब आप कहोगे भाई पर्थ में तो स्पिन को हेल्प नहीं मिलती, भाई किसने कहा। मैं कहता हूँ कि एस्टोनेगर इस पिच पे ना 3-3 विकेट निकाल चुका है ना भाई, स्पिनर को हेल्प नहीं मिलती, लेकिन स्पिनर के पास में भी थोड़ा ना माइंड सेट होना चाहिए कि वो बैट्समैन को लालच देवे, शॉट को पिकअप करे और कैच आउट हो जाए दोस्तों। वही चीज़ है अपने जैसे कि रविचंद्रन अश्विन है, अश्विन को कहीं पिच पर खिला लो बंदा विकेट निकाल के दे देगा। अपने युजवेंद्र चहल है, कहीं भी खिला लो विकेट निकाल देगा। रवि बिश्नोई हो गए, उनको मतलब ही नहीं है कि स्पिन ट्रैक पिच है क्या पिच है ना। और जो आपके स्लोअर बॉलर होते हैं ना, जो मतलब अपने टर्न के ऊपर डिपेंड है ना, उनको स्पिन फेवर पिच चाहिए होती है। लेकिन एगार है जो कि विकेट टू विकेट बॉलिंग कराते हैं, तो भाई ऑर्थोडॉक्स समस्या करती है। आप विकेट आप ना रिसेंटली कितनी मैच निकालो, जब जब एडिलेड ने ओपोनेंट में आपको ऑर्थोडॉक्स पाया है तो एडिलेड के विकेट गिरे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो आपकी कैप्टन है ना मैथ्यूसॉर, इनको भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस लेग ब्रेक से समस्या है, लेकिन आपके पर्थ के पास में लेग ब्रेक तो कोई नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है एस्टोनेगर जो कि पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराने आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरे बॉलर आते हैं आपके राइट आर्म फास्ट, जो भाई जाय रिचर्डसन है। भाई जाय रिचर्डसन आज के मैच के आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर बनने वाले हैं। ट्रम्प कार्ड मीन्स कि आपको हर टीम में पिक करना है और कैप्टन भी बनाना दोस्तों, सिंपल सी बात है ना। अब फिर आप कहोगे नहीं भाई मैं तो एडिलेड के फेयर में टीम बनाना चाहता हूँ, तो भाई सिंपल सी बात है, एगार को ड्रॉप कर देना, जाय को पिक कर लेना और कैप्टन में ट्राई करना, फिर वहां पर कैप्टन ट्राई करना क्रिस लिन, डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट को, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं पर्थ की वीकनेस की, तो पर्थ की भी वीकनेस कहती है ना, तो देखो ओपोनेंट में राइट आर्म फास्ट कौन है, प्योर राइट आर्म फास्ट की बात करूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भाई 125-130 की बॉल डाला है भाई, 140+, 138, 139 कंटिन्यू इस रेंज की बॉल डाला ना, वो होता है राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आर्म फास्ट बॉलर कौन है, वैसे अगर थोड़ा ठीक ठाक है, यदि आज के मैच में हेनरी थॉर्टन को यदि मौका मिलता है ना दोस्तों, तो ये ना हो सकता है कि पर्थ के बल्लेबाज गिलिया उड़ा दे दोस्तों, हो सकता है। मतलब क्यों बोलो कि थॉर्टन के पास में पेस बहुत अच्छा है, प्लस लाइन और लेंथ दोनों एक्यूरेट है बंदे की, ये सीजन एक भी मौका नहीं दिया है और एडिलेड इस सीजन अच्छा भी नहीं करी है दोस्तों। तो मेरे को लगना चाहिए डॉगेट को बाहर करो और आपको ना पहनने के साथ में हेनरी थॉर्टन का पावर प्ले में कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, शानदार जाएगा दोस्तों। अब देखो वो तो एडिलेड की टीम के ऊपर डिपेंड है। बात करते हैं लेग ब्रेक, तो लेग ब्रेक है सी बॉयसी जिसने मैक्सवेल को आउट किया था। अब देखो दोस्तों मैक्सवेल को आउट किया था, इसका मतलब ये एरन हार्डी को भी आउट कर सकता है, जोस इंग्लिश को भी आउट कर सकता है। तो यदि आप एडिलेड के फेवर में जा रहे हो तो सी बॉयस को भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने हाई सिलेक्शन प्लेयर की, जो कि यहाँ से कौन ड्रॉप होंगे, डायरेक्ट वही बात करते हैं दोस्तों। इंग्लिश आपको पिक करो, कीपर ये कि भाई ड्रॉप का मतलब ही नहीं है। क्रोली और लिन, मेरे को लग रहा है आज के मैच में सी लिन आपके जाने वाले हैं। मानते हैं कि इनको पेस पसंद है, लेकिन भाई शॉर्ट बॉल दे दी है ना, वेरेंड्रॉफ लेफ्ट आर्म बॉलर है और शॉर्ट बॉल टेक दी और फिर पॉइंट पे कैच आ जाएगा, लोगों पे कैच आ जाएगा, आपके लिन आउट हो सकते हैं, मेरे को ज्यादा लगता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि लिन का रिकॉर्ड कहता है जब जब आपके लिन दो कंटिन्यू मैच अच्छा करते हैं, तीसरे मैच में फ्लॉप हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्रोली को ट्राई करो, क्योंकि क्रोली लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप हुआ प्लेयर है ना। हाई सिलेक्शन में उन्हीं प्लेयर को ज़्यादा ट्राई करेगा जो लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप होते हैं, उनको मत ट्राई करेगा जो लास्ट मैच अच्छा करके आ रहे हैं दोस्तों। जनता तो उनको पिक कर रही है, लेकिन आपको ड्रॉप करना है किसको, जो लास्ट मैच में अच्छा करके आ रहे हैं दोस्तों, है ना। थोड़ा डिफरेंट है, ग्रैंड लीग में थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ता है। बात करते हैं ऑलराउंडर तरफ से, हार्डी साहब है, मैथ्यू शॉट है, जेमी ओवरटन है, डार्सी शॉट है। अब देखो दोस्तों कल के मैच में सदरलैंड ड्रॉप हो गए थे है ना, क्योंकि वो एकमात्र ऑलराउंडर थे किसके लिए, अपने टीम के लिए। तो यहाँ पे भी दो ऑलराउंडर है, हालांकि तीन ऑलराउंडर है, कॉपर कोनन ये एगार का लो सिलेक्शन है, लेकिन एरन हार्डी को आप ऐसे नॉर्मल प्लेयर ट्राई करना, टीम के कैप्टन ने ओवर कम करेंगे तो डेथ ओवर में एक ओवर करने के लिए आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर आते हैं आपके मैथ्यू शॉट, जेमी ओवरटन, डार्सी शॉट, तीनों में से दो को ट्राई करना है ना दोस्तों। और बात करें बॉलिंग साइड से इंपॉर्टेंट कौन है, तो पेनेस साहब इंपॉर्टेंट है, जाय रिचर्डसन और एंड्रयू टाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वेरेंड्रॉफ को दिया ड्रॉप करो तो मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट के साथ में जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं लो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट कौन है, कीपर को ड्रॉप कर देना, एस्कांजी होसे इंपॉर्टेंट है, इवांस को ड्रॉप कर देना,
ऑलराउंडर से देखो इवांस और एस्कांजी दोनों में से एक को ट्राई करना है, आपके ऊपर डिपेंड है इवांस को पिक करो एस्कांजी को। कंडीशन क्या है भाई, आप चाहते हो कि पर्थ का टॉप ऑर्डर अच्छा करे तो एस्कांजी, आप चाहते हो टॉप पर्थ का टॉप ऑर्डर कोलैप्स होए तो लोरी इवांस। सिंपल सी बात है दोस्तों। ऑलराउंडर की बात करें एस्टोनेगर, कोनोली और जोस बेजली। भाई कोनोली को ओपनिंग मत करो, सिंपल सी बात है, ये बंदा आपको हरा देगा। हालांकि हारी नहीं है टीम, लेकिन भाई जब टीम जीतती है ना तो अपनी वीकनेस पे काम करना छोड़ देती है, ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखो। तो मैं तो कह रहा हूँ एगर को ट्राई करो, बेजली और कोनोली को ड्रॉप कर देना, ठीक है। बेजली यदि पहले बॉलिंग करते तभी ट्राई करना, नहीं तो ड्रॉप कर देना। आपके एल मोरिस, लेंस मोरिस को जरूर करना, यदि पहले बॉलिंग करते सेकंड वाला ड्रॉप कर सकते हो। वैसे अगर सी बॉयस हेनरी थॉर्टन, भाई आज के मैच गेम चेंजर प्लेयर बनेंगे यदि इनको मौका मिलता है, हेनरी थॉर्टन और वेस्टरगार्ड दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कैप्टनसी की, तो अपने कैप्टन रहेंगे जो करली, मैथ्यू शॉट, जय बेरेंड्रॉफ, डेविड पेने, एंड्रू टाई। और यहाँ पे बात करें ये अपने वीसीए, सॉरी दोस्तों ये अपने करोली साहब, मैथ्यू शॉट ये अपने वीसीए। कैप्टन रहेंगे इंग्लिश, एरोन हार्डी, जय रिचर्डसन, वेस्ट सेकर, डार्सी शॉट ये अपने कैप्टन है, ये अपने वीसीए है ना। ये अपने सीवीसी की बात होगी। अब बात करें कितने क्रेडिट की आपको टीम बनानी है, ड्रीम टीम कितने की बनने वाली है ना, तो आपको थोड़ा इंडिकेट हो जाए कि आप है ना आपकी टीम बन रही है फिर नहीं बन रही है ना दोस्तों। एक्चुअली मेजरली अपन जो टीम बनाते हैं तो सोचते हैं रैंक आएगी, लेकिन थोड़ा इंडिकेट होना जो बहुत जरूरी है। तो वो इंडिकेट कौन करता है, क्रेडिट। आपके जो क्रेडिट है ना वो एक इंडिकेटर है कि आपको इंडिकेट करता है भाई आपकी टीम अच्छी बनी है या फिर नहीं बनी है फॉर द ग्रैंड लीग, ठीक है दोस्तों। तो 85 टू 88 पॉइंट हाफ की आपको टीम बनानी है, 85 टू 89 आपको टीम बनानी है, मतलब इसके बीच में ड्रीम टीम बनेगी, सिंपल सी बात है। टीम पार्टिशन की बात करें 7-4 ट्राई करना, ये पिच ऐसा है जहाँ पे एक टीम वन साइड जीतने वाली है, ठीक है। 6-5 थोड़ा स्लाइटली कम ट्राई करना, 7-4 इज द बेटर पिक। बात करें कॉम्बिनेशन की 1-2-3-5 1-2-4-4 तो ये चीज़ होगी। आप चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, आगे यहाँ पे टेस्ट भी इंडिया का है ना, वो चीज़ भी जरूर ध्यान रखना। यदि आप फेवर करें तो इंडिया के फेवर में, तो देखो वो तो आपको पता है कि टेस्ट में इंडिया अच्छी करती है, लेकिन अफ्रीकन कंडीशन है तो भाई वो तो अपन नहीं कवर करें, कोई नहीं। टेस्ट है ना लॉन्ग फॉर्मेट का, थोड़ा समझने का प्रयास थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन को मैं बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप एस्कांजी को ट्राई करो, अच्छे पिक है, हराडी है, ओवरटन है। देखो जेमी ओडन की बात क्या है, ये बंदा ना पिन शूटिंग अच्छा कर लेता है, तभी ये हर मैच में ड्रीम टीम में आ जाता है। मैं तो कहता हूँ बॉलिंग से यदि पिक मत करूँ, यदि आप चाहते हो ना कि ये पहले बैटिंग करे तो भाई उनको जरूर ट्राई करना, ये पिन शूटिंग करता है अच्छी खासी। टाई साहब है, वेस्टरगार्ड, मॉरिस, कैमरन बॉयस और यहाँ से आएंगे अपने हेनरी थॉर्टन। 22 प्लेयर हो गए दोनों टीम के, यहाँ पे यूज करेंगे एडवांस सेक्शन, कोई प्लेयर अपना फिक्स नहीं है। और रिपीट कर देता हूँ, फिक्स प्लेयर का मीन्स कि जिस प्लेयर का फिक्स करो उसके साथ में 100% श्योर होना चाहिए, तभी आपके ना फिक्स प्लेयर काम करते हैं। आप डाउटफुल है कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, उसको फिक्स मत करो दोस्तों, है ना। तो मेरे को देखो इंग्लिश साहब फिक्स है, सिंपल सी बात है, इंग्लिश को फिक्स करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और फिर यहाँ से अपने बैटिंग में किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते। और ऑलराउंडर में एरन हार्डी इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू शॉट जो कि इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं, तो दोनों अच्छा कर सकते हैं। और बॉलिंग साइड से आपके जाय रिचर्डसन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके वेस्टरगार्ड इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करें कैप्टनसी की, तो अपने कैप्टन थे जोस इंग्लिश है ना, एरोन हार्डी, मैथ्यू शॉट, कहाँ पे भाई शॉट, मैथ्यू नहीं डार्सी शॉट, सॉरी डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट को वीसी बनाएंगे। और यहाँ से अपने रहेंगे जाय रिचर्डसन और अपने कहाँ पे वेस्टरगार्ड और हेनरी थॉर्टन को तो अपन कैप्टन। दोस्तों हेनरी थॉर्टन अभी इसलिए नहीं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बाई चांस इसको मौका ना दिया जाए तो अपनी टीम वेस्ट हो सकती है, तो इसलिए अपन उनको एज ए प्लेयर ही पिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जे क्रोली रहोगे, मैथ्यू शॉट रहेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं बॉलिंग साइड से, तो आपके बेरेंड्रॉफ है, एंड्रू टाई है, डेविड पेने हैं, तो ये अपने सी वी सी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं फेवर करूँगा स्कॉचर्स को, तो स्कॉचर्स के 7-4 एटलेट स्टार के ट्राई करूँगा, परसेंटेज सेक्शन 6-5 ट्राई करूँगा दोस्तों। और क्रेडेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे अपन कर देते हैं 89 करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 85 दोस्तों। कॉम्बिनेशन अगर अपना दोनों नए कॉम्बिनेशन है ना, 1-2-3-5 1-2-4-4, क्योंकि मेजरली एक टीम ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड है, एक टीम अपने बॉलर्स प्लस ऑलराउंडर पर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अपन 10 टीम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सारी टीम आप ना डायरेक्ट ड्रीम इलेवन पे कॉपी कर सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना आपकी टीम डायरेक्ट आपकी ड्रीम इलेवन अकाउंट में शेयर हो जाएगी। जितनी भी टीम है आपके, पहले आप 10 टीम बनाते थे और आप दूसरे के पास में डिवाइस भी होना जरूरी था, तब आप अच्छे से टीम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन 8% टाइम जिसके पास सिंगल डिवाइस है वो भी आराम से टीम बनाओ, डायरेक्ट अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट में कॉपी करो। जितनी टीम बना रहे हो मतलब मैक्सिमम आपकी 30 सेकंड लगेगी एक टीम में, तो आपको बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा है, बहुत टाइम बच रहा है दोस्तों। इसके लिए वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलता अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।